धार्मिक स्थलों का गढ़ कहे जाने वाले हिमाचल में कई ऐसे मंदिर हैं जिनका अपना महत्व है। आज हम आपको ऐसे ही एक मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जो पूरी दुनिया के लिए शोध का विषय बन चुका है। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा से महज 35 किलोमीटर दूर भद्रा काली भलेई माता के मंदिर में देश के कोने कोने से लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आम दिनों के मुकाबले नवरात्रि में दर्शनार्थियों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। माता भद्रा काली में आस्था रखने वाले लोगों का मानना है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। कहा जाता है कि भद्रा काली माँ भलेई की मूर्ति भ्रांड नामक स्थान पर स्वयंभू प्रकट हुई थी। माँ भलेई का ये मंदिर चंबा जिला के ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण चंबा के राजा प्रताप सिंह ने करवाया था। महिलाओं का प्रवेश वर्जित। माँ भद्रा काली के इस मंदिर में 60 के दशक तक महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। इसके बाद माँ भलेई की एक भक्त दुर्गा बहन को माँ भलेई ने स्वप्न में दर्शन देकर आदेश दिया था कि सबसे पहले वे माँ भलेई के दर्शन करेंगी, जिसके बाद अन्य महिलाएं भी माँ भलेई के दर्शन करने लगी। माँ भलेई के मंदिर को लेकर एक कथा काफी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार चोर माँ भलेई की प्रतिमा को चुरा कर ले गए थे। चोर जब चौहड़ा नामक स्थान पर पहुंचे तो एक चमत्कार हुआ। चोर जब माँ की प्रतिमा को उठाकर आगे की तरफ बढ़ते तो वे अंधे हो जाते और जब पीछे मुड़कर देखते तो उन्हें सब कुछ दिखाई देता। इससे भयभीत होकर चोर चौहड़ा में ही माँ भलेई की प्रतिमा को छोड़कर भाग गए थे। बाद में पूर्ण विधि विधान के साथ माँ की 2 फीट ऊंची काले रंग की प्रतिमा को मंदिर में स्थापित किया गया। माँ भलेई की मूर्ति को आता है पसीना। माना जाता है कि माँ जब प्रसन्न होती हैं तो प्रतिमा से पसीना निकलता है। पसीना निकलने का यह भी अर्थ है कि माँ से मांगी गई मुराद पूरी होगी। माँ भलेई की मूर्ति से आने वाला पसीना लोगों के बीच रहस्य बना हुआ है। कई बार पुरातत्व वैज्ञानिकों ने भी इस बारे में खोजबीन की, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। मंदिर की बनावट और वास्तुकला। मंदिर के निर्माण को लेकर भी एक कथा प्रचलित है। लोगों का कहना है कि मंदिर को बनाने के लिए माँ भलेई ने ही चंबा के राजा प्रताप सिंह को धन उपलब्ध करवाया था। हजारों साल पहले बने इस मंदिर की वास्तुकला को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है। भलेई माता की चतुर्भुजी मूर्ति काले पत्थर से बनी हुई है और ये खुद से प्रकट हुई थी। माता के बाएं हाथ में खप्पर और दाएं हाथ में त्रिशूल है। मंदिर के मुख्य दरबार पर उड़ीसा के कलाकारों की कारीगरी का शानदार नमूना देखा जा सकता है। धन्यवाद। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।